मैं आप लोगों के साथ कुछ सॉस है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। ये मोस्टली मैं मुझे 3 से 4 महीने हो गया जो मैंने रेगुलर नहीं, 1 या 2 दिन छोड़ के यूज़ करती हूँ, क्योंकि रेगुलर आप बच्चों को ब्रेड नहीं खिला सकते हैं, बट फिर भी ये एक प्रकार से समझिए मतलब रेगुलर यूज़ में ही हो जाता है। और ये 4 सॉसेज हैं। मैंने एक ओटकर का जो चॉकलेट स्प्रेड है वो लिया है, बीबा का मैंने ये मेयोनीज लिया है, बीबा का ही चीज़ी स्प्रेड एंड ड्रेसिंग वाला जो सॉस है वो लिया, और टमाटो केचप। ये चारों मतलब मैंने लिया, जिसमें टमाटो केचप बहुत ही कॉमन है, सभी के घर में होता है, लेकिन कुछ जैसे ये हो गया चीज़ी स्प्रेड, ये थोड़ा सा मतलब सब नहीं यूज़ करते हैं। और दूसरा मुझे इसको लेने का एक ये है, जैसे बच्चों को चीज़ चाहिए होता है लगभग खाने में, तो क्या ना हर समय, और जो चीज़ वाली स्लाइसेस होती हैं या चीज़ क्यूब आप लेते हैं थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बट ये थोड़ा सा रिजनेबल भी है और टेस्ट भी इसका अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें, तो मैंने उसकी जगह इसको थोड़ा सा लिया हुआ। और सैंडविच बनाना ही पड़ता है बच्चों को, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो छोटी छोटी भूख होती है ना उसको ख़त्म करने के लिए आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो चॉकलेट वाला तो वैसे भी अच्छा रहता है, क्योंकि चॉकलेट सिरप वगैरह बच्चों को देते रहते हैं अपन। तो इस तरीके से मैं यूज़ करके दिखाती हूँ आपको कि चॉकलेट जो स्प्रेड है मैंने उसको कैसे यूज़ किया। मैंने 2 ब्रेड ली, उनको रोल ऑन कर लिया और जो उसके एजेस थे उसको कट कर दिया। और अब हम लेंगे ओटकर का चॉकलेट स्प्रेड और इसको मैं ब्रेड में, एक ब्रेड में अच्छे से मतलब एक थोड़ा सा आधा इंच से कम एक लेयर बनाएंगे, ताकि मतलब बच्चों को, क्योंकि हम इसको सेकेंगे नहीं, फ्राई नहीं करेंगे, तो फ्राई मीन्स तवे पे इसको नहीं सेकेंगे, तो अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इससे क्या है, ब्रेड ना सूखी सूखी नहीं लगेगी और बच्चों को जो एक फ्लेवर आएगा चॉकलेट का, तो उसके चक्कर में ये खा लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ईजी भी रहता है, फटाफट हो भी जाता है। कभी कभी आपके पास टाइम नहीं है इतना कि आप बच्चों को कुछ हेल्दी बना के दो या इस तरीके की कुछ जल्दी से बना दो। हेल्दी मीन्स मतलब हेल्दी भी आप इसको कर सकते हो। आप जो जैसे कि यहाँ पे वाइट ब्रेड मैंने यूज़ की है, आप यहाँ पे ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो, आटे वाली ब्रेड आती हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, तो ऑप्शन है, आप उसको हेल्दी किस लेवल तक लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे हेल्दी या अनहेल्दी की बात अपन नहीं करेंगे अभी, सिंपल सा जो था कि फटाफट क्या आप दे सकते हो बच्चों को खाने को। और दूसरा सा क्या है, अर्ली मॉर्निंग जैसे आपको बच्चों को उठाना है, उन्हें स्कूल के लिए रेडी करना है, तो उस टाइम क्या बच्चे उठते हैं एकदम से हैवी चीज़ें नहीं खा लेते, तो उस टाइम ये छोटा छोटा सा रहता है, एक ब्रेड का बना के दे दो, 2 ब्रेड का बना के दे दो, तो बच्चे आसानी से इसको खा लेते। तो इस तरीके से इसको कट कर देंगे तो बहुत ही टेस्टी रहता है और बच्चों को पसंद भी आता है, क्योंकि चॉकलेट तो लगभग सभी बच्चे